स्टूडेंट्स, वेलकम टू संतोष सर क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीओ 15 के असाइनमेंट के सॉल्यूशन। एंड देखते हैं, ये नया नया चैप्टर है जो ऐड हुआ है एमकॉम में, एंड दिस इज ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो टीएमए है एमसीओ 15 का, ये थोड़ा सा क्रिटिकल भी है। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको सेकेंडरी डेटा इंटरनेट से आपको मिल सकते हैं। तो एनी हाउ, आई मैनेज टू राइट ऑल द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टीएमए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैव बीन इंक्रीजिंग। तो क्या आप रियली बिलीव करते हैं कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज कर रही हैं सर्विसेज में, एंड इसके मेन डिटरमिनेंट्स क्या हैं, एंड डिस्क्राइब द नीड एंड प्रोस्पेक्ट टू पुश एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया से सर्विसेज तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, बेसिकली ऑल दिस टेली कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे इंडिया के जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी माइग्रेट करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। तो इसी के ऊपर आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ किस किस पॉइंट पे आपको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले तो ये इंडियाज रिसेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो आपको इग्नू के स्टडी मटेरियल से भी मिल सकती है। इसके बाद आप लिख सकते हैं दिस, ये क्वेश्चन में भी है, डिटरमिनेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इसमें आप कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड नीड एंड प्रोस्पेक्ट टू पुश एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, तो इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट के जैसा आपको एक्सपैंड करके लिखना है, डिस्क्राइब करना है। इसके बाद में आप ये भी मैंशन कर सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। सो ये भी आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे दिया हुआ, आपके इग्नू स्टडी मटेरियल में भी ये आंसर है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ फेनोमेना सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिकेट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरीके से वर्ल्ड में वर्ल्ड ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड राइज किया है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू दिस। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे WTO का इन्वॉल्वमेंट है, देन यूरोगे राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था, बाद में डिजॉल्व होकर UN, WTO, IMF, तो इन सब के बारे में आपको डिस्क्राइब करनी है। तो ये ब्रीफली आप लिख सकते हैं इस सॉल्यूशन में। देन दिस वन, दिस पार्ट ऑल्सो यू कैन राइट दैट स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसिंग इंडिया ट्रेड विद द वर्ल्ड। तो किस तरीके से इंडिया फॉरेन ट्रेड में वो कैसे डेवलप कर सकता है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एनहेंस टू इंक्रीज द वर्ल्ड ट्रेड। तो ये फैक्टर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू। How can India enhance its presence in the world both in the terms of product and market? तो कैसे आप enhance कर सकता है, ये भी इग्नू स्टडी मटेरियल में है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू एक्सपैंड द इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसके अंदर जैसे डिमांड बेस्ड एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग द टैरिफ्स, GST, देन फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इसको भी आप ब्रीफ कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बनाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर लिख सकते हैं। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, इसको भी काफ़ी हद तक डेवलप किया है गवर्नमेंट ने। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं इस आंसर्स में। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको कमेंट देने हैं। चार कमेंट्स हैं, 5 marks ईच। पहला है, डिक्रीजिंग द पेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज द की टू सॉल्विंग द डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली काफी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज अ बिग फैक्टर, बिकॉज इसके आंसर्स फाइंड आउट करना इग्नू स्टडी मटेरियल में इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। सो एनी हाउ आई मैनेज टू राइट दिस, तो ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में इसके बारे में। ओके, जो सेकंड कमेंट देना है आपको, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर राइजिंग फास्टर देन सर्विस एक्सपोर्ट्स, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट के जो एक्सपोर्ट है वो अभी रिसेंटली ज़्यादा राइज कर रहे हैं सर्विसेज के हिसाब से।
तो इसके ऊपर आपको एक कमेंट देना है। तो ये भी जनरली आपको डेटा वगैरह काफ़ी इसके अंदर डालने पड़ेंगे कि कौन से ईयर में किस तरीके से एक्सपैंड हुआ है प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट्स, तो हाउ इट टुक ओवर द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दैट। तो ये सारे पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हैं। देन कमेंट सी, गवर्नमेंट इज नॉट कमिटेड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग हब ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एलीट प्रोडक्ट्स। तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर है, हाउ लाइक कैसे मतलब एग्रीकल्चरल और इसके जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एलीट प्रोडक्ट्स हैं, हाउ वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करवा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट शॉर्ट नोट है, दैट इज लास्ट वन, इंडिया शेयर्स द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग ए सर्विस इकोनॉमी। ये भी एक फैक्टर है कि इंडिया जनरली सर्विस इकोनॉमी के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इंडिया के लिए, एक तरीके के थप्पा है जो उसके प्रोडक्ट को एक्चुअली इंटरनेशनली इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं जाता है। तो इसके ऊपर आपको ये शॉर्ट नोट लिखना है। तो फ्रेंड्स ये है, इसके बाद में है डिफरेंसेस बिटवीन इनवर्ड एंड इनवर्ड ओरिएंटेशन एंड आउटवर्ड ओरिएंटेशन। ये तो आपके स्टडी मटेरियल में आपको ये डिफरेंस इसका मिल जाएगा। देन सैनिटरी कंडीशंस एंड फाइटो सैनिटरी कंडीशंस। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, नया कॉन्सेप्ट है। सैनिटरी में दिस कंडीशंस रेफर टू सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल लाइव्स, वेयर एज फाइटो सैनिटरी में दिस कंडीशंस रेफर टू सेफ्टी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो यहीं से आपको और चार पांच पॉइंट इसको डिस्क्राइब करनी है। ओके आगे चलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये तो मैंने कई बार मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इसको एक्सप्लेन किया है आपको, कॉमन क्वेश्चन है। एंड इसके बाद जो आपको डिफरेंस लिखना है, दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इन पैराग्राफ ऑल्सो। एंड जैसे कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए कंपनी गेन्स ओनरशिप ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सप्लाई चेन दैट अकर आफ्टर देयर हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस विच कंसर्न विद द सप्लाई चेन ऑफ ए प्रोडक्ट, बट इट्स रिवर्स ऑफ जस्ट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कंपनी जो है, इट हैंडल्स ए गुड सीक्स टू बाय ए प्रोडक्ट विद द पार्टनर कंपनी दैट हैंडल्स द प्रोडक्ट एट एन अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सो लाइक दिस यू कैन एक्सपैंड। इसमें और भी इसको टेबलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, फीमा एक्ट 1999 काफ़ी टाइम एग्जाम्स में आता है, एंड इवन IBO 1, 2, 3, 4 बहुत सारे सब्जेक्ट्स में है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है MCOM के लिए। देन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इंडिया सर्विसेज ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एंड फॉर द टी एग्जाम ऑल्सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा आप मार्क कर लें दिस क्वेश्चन, जैसे कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है इंडिया के एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज पे। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्विकली, लंबा आंसर्स हैं इसके। देन वी हैव आई थिंक एक क्वेश्चन स्किप हो गया, ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस ये BOP से है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर से है। ट्रेड बैलेंस जनरली इट रिफ्लेक्ट्स द नेट लेवल ऑफ ट्रेड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस कितना है इन सिंपल वर्ड्स। तो इस चीज़ को आपको इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये भी कॉमन टॉपिक है, क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं ट्रेड बैलेंस के बारे में। वी कैन राइट दिस पी रेशियो इन दिस ऑल्सो। अब आ गया हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। नाउ ये एक इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो इसके बारे में आपको ब्रीफली एक नोट लिखना है। एंड जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कुछ एक डाटा इंटरनेट से और जो गवर्नमेंट के जो साइट्स हैं हैंडलूम के, तो वहाँ से मैंने कलेक्ट किया है। एंड कुछ एक आपके इग्नू स्टडी मटेरियल्स हैं। सो फ्रेंड्स ये कुछ ये ऑब्जेक्टिव्स भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एसोसिएशन। एंड इसकी मेन स्ट्रैटेजीज के बारे में भी आप लिख सकते हैं, इसके मेन स्ट्रैटेजीज क्या हैं। तो फ्रेंड्स ये था MCO 15 का सॉल्यूशन।
एंड आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डेटा मिल जाएंगे टू राइट दिस TMA नाइसली एंड टू स्कोर गुड मार्क्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अगेन यूजफुल टॉपिक.